স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে লাইভ আর প্রথমে এক ব্রেকিং নিউজ অসমৰ বাবে এটা ভাল খবৰ অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আবণ্টন দিছে এক বৃহৎ পুঁজিৰ 4100 কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰই ৰাজ্যৰ বান ব্যৱস্থাপনা আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰ বাবে এই পুঁজি আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰই পুনৰ কৈছো কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অসমলৈ এক বৃহৎ পুঁজি আবণ্টন দিছে অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বৃহৎ পুঁজি 4100 কোটি টকা 4100 কোটি টকাৰ অনুমোদন কেন্দ্ৰই দিছে অসমলৈ ৰাজ্যৰ বান ব্যৱস্থাপনা অৰ্থাৎ বান সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ বাবে এই পুঁজি আৰু লগতে এই পুঁজি সীমান্ত অঞ্চলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ ঘোষণাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পোষ্ট কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী এক্সত পোষ্ট কৰি জনাইছে সবিস্তাৰে আৰু বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত আগবঢ়োৱা হৈছে ये जो हमारी स्कीम है फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम ये हमारे वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट गंगा रिजर्वेशन भारत सरकार के इस प्रोग्राम को 4100 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई है 2021-22 से लेके 2025-26 तक जिसमें 2930 करोड़ रुपया फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम कंपोनेंट के लिए एफएमपी के लिए दिया जाएगा और 1160 करोड़ रुपया आरएमबीए कंपोनेंट के लिए रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जाएगा। इसका फंडिंग का पैटर्न जो है ये 60-40 रेशो रहेगी, 60% केंद्र सरकार का, 40% राज्य की सरकार का, और जो पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी राज्य हैं, पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड आता है और नॉर्थ ईस्ट के हमारे बाकी राज्य, इनके लिए फंडिंग 90% भारत सरकार, 10% राज्य की सरकारें देगी और यूनियन टेरिटरीज के लिए 100% हम लोग भारत सरकार की ओर से देंगे। हालांकि फ्लड मैनेजमेंट का काम राज्य की सरकारों का होता है, लेकिन हजारों करोड़ रुपये की सुविधा पहले भी भारत सरकार ने दी, अब इसको अगले 2021-22 से लेकर 25-26 तक इसको किया गया है और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को भी, एस्टिमेट कॉस्ट जो 100 करोड़ इससे बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको भी जनरल कैटेगरी स्टेट और 50 करोड़ जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और पहाड़ी राज्यों के लिए रखा गया है।